टीम इंडिया वेलकम टू कानपुर। अब कानपुर में कारवां पहुंच चुका है। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच कानपुर में होगा, लेकिन कानपुर की पिच क्या कहती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज जो एक और बड़ी दिलचस्प होने वाली वो प्लेइंग 11 कि टीम इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ नजर आएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई कानपुर में क्या रोहित और विराट रन बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। बांग्लादेश चाहेगा भाई टेस्ट सीरीज में कमबैक किया जाए मैच जीतकर, लेकिन टीम इंडिया ये चाहेगी भाई क्लीन स्वीप किया जाए मैच जीतकर। लेकिन भारतीय टीम के लिए मैच इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि भारतीय टीम इतिहास तो रचेगी, लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि WTC पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया के लिए ये मैच जितना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, भाई हेड टू हेड में बांग्लादेश कितना आगे है और कितना पीछे है, और जो दोनों टीमों की बात करें तो भाई प्लेइंग 11 में 2-3 चेंजेस तो पक्का है, उस पर बात करेंगे। और अगर आप फैंटेसी के दीवाने दोस्तों तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है वो भी हम आपको बताएंगे, और पिच कैसा रहने वाला है, क्या यहाँ पर रेड सॉइल होगा ब्लैक सॉइल होगा, कितना उछाल होगा पिच पर, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात टीम इंडिया की, भाई भारतीय टीम की अगर आप मुझसे ताकत पूछेंगे क्या है, वैसे दोस्तों आप भी बताइए भाई आपकी ताकत कमजोरी बन गई है। जो रोहित और विराट एक समय दोनों रन बना रहे थे, विराट का सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे रन किसी के साथ हैं तो विराट के हैं इंडिया के पास, क्योंकि विराट ने बांग्लादेश के खिलाफ खूब रन बनाए हैं, उनका बल्ला गरजता है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज में ना तो विराट बल्ले से रन बना रहे हैं और ना रोहित का बल्ला चल रहा है। रोहित तो इनफैक्ट आउट होने का तरीका अगर आप देखोगे तो ऐसा हो रहा है जैसे कि कैजुअल अप्रोच, डिफेंसिव करते करते डिफेंस करते करते, इसका मतलब पता क्या है कि वो सोच रहे कि सामने मलिंगा है या सामने मैगलन मैग्राथ है, उस तरीके की। अब हसन महमूद को आप विकेट देते तो बड़ी आसानी के साथ हो रहा है, ऐसा लगा एक्शन रिप्ले है। फर्स्ट इनिंग में 6 बनाते हैं, सेकंड इनिंग में 5 बनाते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्त उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 21 है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? और अगर रोहित और विराट यहां स्ट्रगल करेंगे तो फिर WTC में क्या होगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या होगा? तो इसलिए रोहित और विराट के रन आने बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन बांग्लादेश दोस्तों उनकी दिक्कत है बैटिंग, बॉलिंग उनकी आउटस्टैंडिंग है भाई। बॉलिंग उन्होंने पेस अटैक अगर आप देखोगे तीनों, चाहे तस्कीन अहमद की बात करें या फिर हसन महमूद की बात करें, और उनके पास मेहदी हसन मिराज और लिटन दास, ये दो अच्छे प्लेयर भी हैं, लेकिन ऊपर से जब तक रन नहीं आएंगे तब तक ये टीम स्ट्रगल करेगी। क्योंकि ऊपर से हसन की बात करें, शादमान की बात करें, हसन शांटोज उनके कैप्टन, उन्होंने एक कॉम्पैक्ट इनिंग खेली थी, लगा था कि यार इस इनिंग में वो हो सकता है मैच नहीं जिता पाएंगे लेकिन फाइट कर पाएंगे। लेकिन बाकी बल्लेबाज और खासकर इनकी जो बैटिंग रिवॉल्व करती वो मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन के आसपास ही रिवॉल्व करती, तो इसलिए इनको अच्छा करना होगा। लेकिन जहां तक बात टीम इंडिया की है, भाई इंडियन टीम चाहेगी यार इस मैच को भाई कैसे न कैसे जीता जाए, लेकिन उसके लिए क्या पिच साथ देगी? सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, भाई कानपुर का पिच कैसे रहने वाला है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए काफ़ी फेवरेट मानी जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो कानपुर की पिच काफ़ी स्पाट रहने की संभावना है, तेज गेंदबाजों की तुलना में स्पिनरों को पिच से अधिक मदद मिल सकती है, और यहाँ की पिच काली मिट्टी से बनाई गई है। चेपॉक के मैदान पर गेंद उछाल ले रही थी, लेकिन इस पिच पर गेंद कम उछाल लेगी, ऐसे में भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ मैदान पर उतर सकती है। ऐसे में यहाँ बल्लेबाजों को स्पिनर से थोड़ा बचकर रहना होगा। यानी कि साफ साफ मतलब दोस्तों पता क्या, आपने चेन्नई में देखा था रेड सॉइल विकेट था, थोड़ा बहुत आपको दिखा होगा, क्योंकि रेड सॉइल का मतलब क्या होता है, गेंद में थोड़ा टर्न होगा और बाउंस भी होगा। लेकिन ब्लैक सॉइल अब यहां पर विकेट मिला कानपुर में, ब्लैक सॉइल का मतलब यह कि गेंद स्किड करेगा, गेंद नीचा रहेगा, और इंडिया के पास अच्छा मौका है कि आप कुलदीप यादव को टीम में प्लेइंग 11 में प्ले आ सकते हैं। कुलदीप यादव आएंगे क्योंकि वो चाइनामैन गेंदबाज हैं, भाई 2 या 3 विकेट तो पक्का ले लेंगे। और फर्स्ट और सेकंड डे अगर आप देखें तो भाई कानपुर का अमूमन अगर टिपिकल देखेंगे तो ग्रीन ट्रैक आपको नजर आता है और ग्रीन टॉप विकेट होगा तो तेज गेंदबाजों को शूट करेगा। बट जो फॉर्मर क्रिकेटर है संजय मांजरेकर, उन्होंने तो कहा कि आप कुलदीप यादव खिला सकते हैं क्योंकि वो विकेट टेकिंग गेंदबाज है, उनके पास वो स्पार्क है, वो आर्ट है कैसे विकेट्स निकाले जाते हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा ऐसे जो कॉम्बिनेशन टीम इंडिया के, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं भारतीय टीम क्या बदलाव कर सकती है। अब ये आपके सामने कॉम्बिनेशन अगर आप इसमें देखेंगे तो रोहित और जायसवाल ओपन करते नजर आएंगे, उसके बाद देखें तो नंबर 3 पर शुभमन गिल होंगे क्योंकि शुभमन गिल ने 100 बनाया था, बड़ी शानदार बल्लेबाजी की थी। उसके बाद देखें विराट कोहली, अब विराट कोहली के रन ना आने ये टीम की इंडिया के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। उसके बाद अगर आप देखें तो केएल राहुल, अब केएल राहुल भी कहीं ना कहीं अभी भी सवाल है कि क्या केएल राहुल नंबर 5 पर फिक्स है, उनका ने पक्का स्थान कर लिया है, क्योंकि केएल राहुल जब तक रन नहीं बनाएंगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसके बाद ऋषभ पंत, आउटस्टैंडिंग कमबैक है इस खिलाड़ी का, और जिस तरीके से इन्होंने कमबैक किया और जो सेंचुरी बनाई, इन्होंने कहीं ना कहीं दावा ठोक दिया है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसके अलावा अगर देखें अश्विन, भाई नाम में ही विन है अश्विन, और जडेजा अगर देखें, जडेजा ने भी शानदार काम किया था। और अब है दिक्कत, अब क्या भारत कुलदीप यादव को खिलाएगा, अक्षर पटेल को खिलाएगा या फिर आकाशदीप को खिलाएगा?
क्योंकि सिराज और बुमराह तो पक्के हैं, लेकिन क्या बुमराह को रेस्ट कराना चाहिए? आप भी बताइए दोस्तों, आपको लगता है कि बुमराह अगर देखें तो भारतीय टीम चाहेगी कि वही वर्कलोड मैनेजमेंट ना आए, और इंडिया को न्यूजीलैंड के साथ भी खेलना है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है, कड़ा इम्तिहान है टीम इंडिया का, तो वहाँ भी चाहेगा कि बुमराह को बचाया जाए, बट कुलदीप को कैसे लाया जाए ये आप बताइए। आप ही बताइए दोस्तों कि किसकी जगह आना चाहिए कुलदीप यादव, क्योंकि सारे स्थान पक्के लगते हैं लेकिन एक स्पॉट अभी भी खाली है। क्या कुलदीप यादव को आप आकाशदीप की जगह एक रिस्क लेना चाहेगी टीम इंडिया, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बट बांग्लादेश फंस गया है, बांग्लादेश का जो कॉम्बिनेशन है उस पर एक नज़र डालते हैं। जो बांग्लादेश की टीम है उसमें अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, लेकिन सिर्फ कागजों पर ही रह जाता है, क्योंकि ये टीम भाई बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी बैलेंस लगती है, बड़ी सॉलिड लगती है। ऊपर से देखें तो शादमान इस्लाम, इनको रन बनाने होंगे, क्योंकि अगर आप पिछला मैच उठाकर देखेंगे जहां पर लेफ्ट करते हुए आउट हुए थे, बुमराह को राउंड द विकेट आए थे बॉलिंग करने और वो कुछ खास कर नहीं पाए। जाकिर हसन है, इसके बाद नजमुल हसन शांटो है, मोमिनुल हक हैं, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास ऐसे खिलाड़ी बांग्लादेश को सबसे बड़ी आस, लेकिन ये कुछ खास कर नहीं पाते हैं। मेहदी हसन मिराज, क्या हसन मिराज का कानपुर में होगा राज? क्योंकि अगर बल्ले से अच्छा करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं गेंद से भी अच्छा करेंगे। तैजुल इस्लाम होंगे, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, नाहिद राणा। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इस टीम में भाई तीन तिकड़ी जो पेस अटैक है, नाहिद राणा हो, तस्कीन अहमद हो, तैजुल इस्लाम हो, इनका क्या है कि गेंद थोड़ा सा हाई एम एक्शन है, गेंद पड़ने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, और ऐसे में रोहित को बड़ा फंसाते हैं। अगर आपने फर्स्ट इनिंग में देखा, रोहित जिस तरीके से आउट हुए स्लिप में, सेकंड स्लिप में, वो एक कहीं ना कहीं रोहित के अभी भी जहन में चल रहा कि यार मैं आउट हो गया तो क्या होगा। रोहित को भाई अंदर से वो जिगरा लाना पड़ेगा कि आज बॉस आज तो फट्टे चक देने, आज तो जो हो लेकिन आज मुझे कानपुर में रन बनाने हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जिगरा दिखाएंगे, थोड़ा इंटेंट दिखाएंगे तो रन बनेंगे रोहित के। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, दोनों टीमों को अगर आप देखेंगे, है तो एप्पल वर्सेज मैंगो की लड़ाई, भाई इंडिया हमेशा डोमिनेंस करती आई है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे इंडिया के, बड़े कमाल के रहे हैं, अब तक 14 मैचेस खेले इंडिया ने, आप देख भी रहे हो ग्राफिक्स के जरिए, इंडिया ने अब तक 12 मैचेस जीते हैं, 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। और बांग्लादेश वो टीम भाई जिन्होंने 2000 में डेब्यू किया था टेस्ट में, अब इतना लंबा करियर हो गया, 24 ईयर्स हो गए, लेकिन एक भी टेस्ट वो जीत नहीं पाए इंडिया में। तो इंडिया का कंप्लीट डोमिनेंस आपको नजर आता है। लेकिन अगर कानपुर की बात करेंगे, कानपुर में अगर टीम इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, अब तक भारत ने 23 मैचेस खेले हैं, 7 मैच भारत ने जीते हैं, 3 हारे हैं, 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो ये हमने आपको रिकॉर्ड बताया यहाँ का। लेकिन जो वेदर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं वेदर भाई बारिश कहीं क्रिकेट फैंस के अरमानों पर पानी ना फेर दे। जो वेदर है वो क्या कहता है, एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। बाकी वेदर रिपोर्ट की माने तो मैच के पहले दिन यानी कि 27 सितंबर की बात करें तो उस दिन सुबह में ही बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। 28 और 29 सितंबर को ऐसा ही माहौल रहेगा, जबकि 30 सितंबर को बारिश की संभावना है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। तो जो हमने देखा है यहाँ पर वेदर रिपोर्ट में वो ये है कि जो फर्स्ट सेकेंड डे है वहाँ पर बारिश के थोड़े ज़्यादा चांसेज है, लेकिन अगले दिन उतनी बारिश शायद नहीं होगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो लेकिन रनों की बारिश हो। हम चाहते हैं रोहित और विराट रन बनाए टीम इंडिया के लिए। एक सबसे बड़ा कहते ना इस मैच की अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर आप देखेंगे तो रोहित और विराट ही रहेंगे। रोहित विराट ने रन बना दिए तो फिर टीम इंडिया की बल्ले बल्ले। लेकिन अगर क्रिकेट फैंस आते हैं भाई फैंटेसी बता दी जाए, अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन किसे पिक करना है, तो मेरी तो ये राय है दोस्तों आप यशस्वी जायसवाल को पिक कर सकते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कानपुर का विकेट वो शूट करेगा। क्योंकि जैसा वो खेलते हैं, जिस अटैकिंग मोड में बैटिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल यहां पर ना 100 तो नहीं बट 70-80 रन फर्स्ट इनिंग में बना लेंगे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और अगर आप स्पिनर चूज करना है किसी को तो मैं चाहूंगा तो कुलदीप यादव, बट अभी पक्का नहीं वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन मेहदी हसन मिराज आप पिक कर सकते हैं। मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश, इंडिया से आप यशस्वी जायसवाल को पिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये पिच रिपोर्ट कैसी लगी, इसके लिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।